अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 26 के पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। चलें जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि हम पार्ट ए के एंड में हम पढ़ रहे थे कि मौलाना शिब्बी नुमानी ने समान उमरी लिखी है हज़रत इमाम अबू हनीफा पर, सैरत उल नौमान उसका नाम है। और शिब्ली ख़ुद भी क्या थे? हनफी थे। एमसीक्यूज़ में आता है शिब्ली कौन थे? हनफी थे। अच्छा, जब उन्होंने ये सवाने लिखी तो इस सवाने में उनके अकीदत या न्याजमंदी का रंग खासा गालिब है। शिब्ली ने इमाम अबू हनीफा के अदा तो खसाइल पर उनकी ज़िंदगी पर खासी तफसील से रोशनी डाली है। जैसे कि मैंने बताया कि उनके हर सवाने दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। दूसरे हिस्से उनका काफ़ी मशहूर होता है पहले हिस्से से, तो दूसरे हिस्से में असूल फ़िक्का के हवाले से और हनफी फ़िक्के के हवाले से उन्होंने जामे नोयत की गुफ्तगू की है। शिब्ली की तीसरी सवाने का नाम अल फारूक है। ये हजरत फारूक पर, उमर फारूक पर बनाई गई थी। इसी तरह इसके दो हिस्से थे। पहले हिस्से में हालात ज़िंदगी बयान की गई, मुल्क की फतवाहत का तस्करा किया गया, और फिर दूसरे हिस्से में मुल्क इंतज़ाम और अंसराम और ज़ाती कमालत पर कलम उठाया गया। ये वो किताब है जिसे खासी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। याद रखिएगा, अल फारूक को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी और ऐसी किताबों की जान दूसरा हिस्सा ही था दरअसल जो मौलाना शिब्ली ने लिखी। देखा, मैंने आपको पहले कहा था कि इनका दूसरा हिस्सा काफ़ी मशहूर होता था, तो यही बात यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, मौलाना शिब्ली नुमानी ने अपनी तीनों किताबों के दूसरे हिस्से में इल्मियत के ज़्यादा जौहर दिखाए हैं। तीसरी उनकी एक और किताब है अल गज़ाली। उन्होंने इमाम गज़ाली के हालात वाक़ियात तफसील से रोशनी डाली है। सवान है मौलाना रोम, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये भी उनकी एक बुक थी। एमसीक्यूज़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिब्ली नुमानी ज़ाती तौर पर इल्मुल कलाम पर लिखने के खासे शौकीन थे। किस पर लिखने के खासे शौकीन थे? इल्मुल कलाम पर। अच्छा, इस इल्म का आगाज़ तो सर सैद अहमद ख़ान ने किया था, लेकिन इसकी ज़्यादातर मकबूलियत शिब्ली के पास आई। शिब्ली को ज़्यादा पता था इन ज़ुबानों के बारे में, उनको अबूर हासिल था फ़ारसी और अरबी पर, इस वजह से वो ज़्यादा मकबूल हुए। अच्छा, शिब्ली नुमानी ने जो अगली किताब लिखी वो सीरत नबी थी। ये किताब लिखने के इरादा उन्होंने दो दफ़ा किया। पहली दफ़ा किया 1906 में, इसमें बड़ी जामे मानी सीरत देना चाहते थे। उर्दू में कम अज़ कम इतनी ज़्यादा जामे सीरत मौजूद नहीं थी। दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने लिखा, मुलतवी कर दिया 1902 में उन्होंने मुलतवी कर दिया, शुरू किया फिर मुलतवी भी कर दिया। लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने इस किताब के पांच हिस्से तजवीज़ किए। लेकिन इस किताब के जो पांच हिस्से थे उनमें सबसे पहला हिस्सा जो था वो शिब्ली ने खुद लिखा, फिर वो वफात पा गए। और इसके बाद इनकी किताब को इनके आला और अजीम शागिर्द इब्न रशीद सैयद सलमान नदवी ने मुकम्मल किया। हम पीछे पढ़ चुके हैं, इन्होंने पहली दो जिल्दें लिखी थी, वो इनका एक हिस्सा था। इनके पांच हिस्से थे, इन्होंने तजवीज़ किए थे इस बुक के। और जो दो जिल्दें लिखी थी उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी जो पहला हिस्सा लिखा था उनके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर सैयद सलमान नदवी ने मुकम्मल किया, वो कौन थे? उनके अजीम शागिर्द थे। इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन है, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। शिब्ली नुमानी की जो उन्होंने सीरत नबी लिखनी शुरू की थी उसके जो पांच हिस्से थे वो कौन से थे? तो ये पांच यहाँ पे लिखे हैं। पहला हिस्सा था अरब व काबा की तारीख और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, गज़वात, इखलाक और औलाद अतहार और अजवाज मुतहरात। दूसरा था मनसब नबूवत व फ़राइज़ व अहकाम। तीसरा था कुरान मजीद, तारीख व हक़ायक़ व असरार। चौथा था मौजूदात जी हकीकत व तहकीक। पांचवा था यूरोपियन तसनीफ सीरत पर तनकीद। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकी दो जिल्दें शाया हुई थी, बाकी उनके शागिर्द ने मुकम्मल की थी। लेकिन सलमान नदवी शिब्ली नुमानी चाहते थे कि जो पांचवा हिस्सा है, यानी यूरोपीय मुसनफ़ी ने जो किताबें लिखी सीरत के हवाले से, इन पर जो तनकीद चाहते थे, इनमें जो गलत बयानियाँ की गई, इनमें जो फेक और गलत किस्म के बयान दिए गए, शिब्ली नुमानी इन पर तनकीद चाहते थे, इनका जवाब चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि उन्हें उम्र ने इजाज़त ना दी। सैयद सलमान नदवी ने मुकम्मल तो कर ली, लेकिन वो इस हद तक ना पहुंच सके जहां शिब्ली नुमानी अपनी सीरत को पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आज भी उनकी जो दो जिल्दें लिखी हुई हैं वो आज भी किताबों में मयारी और मिसाली नई किताबों का दर्जा रखती हैं।
सबसे पहली और बड़ी इनकी शगुफ्ता बयान है। अच्छा, अब शिबली नुमानी की समान उम्रियों में जो सबसे बड़ी और पहली चीज़ थी वो उनका शगुफ्ता बयान था। यानी कि देखें, बात यह है कि सीरत और तारीख में बहुत थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अब यहाँ सीरत और तारीख का फ़र्क हमें बताया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि समान निगाह भी कवायद जमा करता है और तमाम की तमाम बातों को तरतीब के साथ पेश करता है ताकि किसी शख्स को इसके मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो सके। और तारीख दान या मौरख दोनों एक होते हैं, कब यही काम है, लेकिन तारीख दान या मौरख और समान निगार में फ़र्क अब यहाँ बताएंगे हमें फ़र्क क्या होता है। टू मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देख, मैं आपको जो बता रही हूँ ये एमसीक्यूज़ रिलेटेड भी हैं और क्वेश्चंस आंसर्स रिलेटेड भी हैं। काइंडली सोच समझ के पढ़िएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब फ़र्क देखते हैं। मौरख सिर्फ वाकियात को और हकायक को जमा करता है, जबकि सवाने निगार इन हकायक को वाकियात को इस तरह जमा करता है कि इनमें दिलचस्पी के नासे पैदा होते हैं। जैसे हमने पीछे शिबली नुमानी की सवाने पर या उस पर मौलाना रोम पर अगर आप वो पढ़ें तो आपको दिलचस्पी होगी। उसके आगे 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 आके हम लोग जो सवाने पढ़ते हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी के नासे पैदा हो जाते हैं। इस तरह इसमें भी बता रहे हैं, शिबली से पहले हाल ही में सवान उम्रियाँ लिखी। हयात जावेद की बात कर लें, हयात सादी की या यादगार गाले की, किसी की भी बात कर लें, हाल ही के हमें पहले बताया गया है कौन कौन सी तीन बुक्स हैं। हयात जावेद याद रखिएगा, हयात जावेद से सैयद अहमद खान पर लिखी गई है, हयात सादी और यादगार गाले, इनमें वाकई हमें दिलचस्पी के नासे भी किसी हद तक मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हाल ही की बहुत ज़्यादा नियाजमंदी इनके सार पाया जाता था, वो दरअसल यूँ कह लीजिए अपने ममदू की वकालत शुरू कर देते थे, इस वजह से हकीकत का वो रंग नहीं रहता था जो शायद सवान उम्री का खासा होना चाहिए। लेकिन शिबली चूँकि इसलूब पर ख़ास ही दस्तरस हासिल रखते थे, उन लसानियात के हवाले से वो काफ़ी मजबूत थे। याद रखिएगा, वो लसानियात के हवाले से काफ़ी मजबूत थे। फारसी और अरबी पर इनकी दस्तरस बहुत ज़्यादा थी और इनके जितने बयान हैं वो दिलचस्पी से आरी नहीं होते। कांडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब उर्दू के चैप्टर्स लेंथ हैं, उन्हें 10-10 मिनट में कवर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इनकी 3-3 वीडियोस बनाऊंगी। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी। चले जी, अब आगे पढ़ते हैं। सैयद अहमद खान की इसी खसूसियात का इनकी इसी खसूसियात यानी वो अपनी किसी भी बयान को दिलचस्पी सारी नहीं करते थे। सैयद अहमद खान भी उनकी तारीफ़ किया करते थे। उनकी तारीफ़ करते वो कुछ यूँ कहते थे, उर्दू ज़बान ने बहुत कुछ तरक्की की है मगर इस बात का बहुत कम लिहाज रखा गया है कि हर फन के लिए ज़ुबान का तर्ज बयान जुदागाना है। तारीख़ की किताबों में नावल को तारीखाना तर्ज की को कैसी फसाह तो बलागत से बरता गया हो दोनों को बर्बाद करता है। हमारे लायक मुसन्निफ़ शिबली नुमान इसका बहुत ख्याल रखा है और बावजूद तारीखाना मजमून होने की ऐसी खूबी से इसको अदा किया कि बारे में फसीह और दिलचस्प है और तारीखाना असलियत बदस्तूर अपनी असली सूरत पर मौजूद है। अब सैयद अहमद खान इस पूरी फिक्रे में या पूरे इसमें कहते हैं कि नावल को तारीख और तारीख और नावल में जम करने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लिखा जाता है, जो पुराने लिखने वाले तो वैसे लिखा करते थे कि नावल को तारीख बना दिया करते थे और तारीख को नावल बना देते थे। जब कोई तारीख लिखने बैठता तो वो भूल जाता कि वो तारीख लिख रहा है, वो नावल के गुमान में ले आता था, यानी उसमें अपने तख्लीकात का गुमान ज़्यादा डाल देता था। अब उसमें नाम दिए हैं सैयद अहमद खान ने, जैसे मोहम्मद हुसैन असाद आज़ाद, पीछे मजाद पढ़ चुके हैं, उनका पूरा नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इसलूब कुछ इस नौयत का था कि इस पर तख्लीक का गुमान ज़्यादा होता है। अगर हम लोग अब हयात पढ़ें तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि बासौकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद शौरा के आलात वाक़ियात बयान की बजाय किसी नावल में शौरा के किरदार साजी कर रहे हैं। अगर हम डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों की बात करें या शरह के नावलों की तो इन नावलों में तारीख का गुमान होने लगता है। देखिए, यही बात यहाँ पर कही गई है। नावल ने कहा कि भूल जाते हैं कि वो नावल लिख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है वो तारीख लिखने पर उतर आए हैं। लेकिन सैयद अहमद खान कहते हैं कि मौलाना शिबली नुमानी को इस बात का काफ़ी ख्याल था, वो तारीख को तारीख रखा करते थे और नावल को नावल की तरह लिखा करते थे। वो नावल में दिलचस्पी के नासे कायम किया करते थे ताकि पढ़ने वाले को ये महसूस ना हो सके कि वो आज से बहुत पहले के इंसान को पढ़ रहा है, बल्कि उसे ऐसे महसूस हो कि जैसे वो वहाँ उस वक्त मौजूद हो।
शिबली नुमानी सीरत नगारी की दूसरी बड़ी खसूसियात जज़ायत है। पहली हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरी आ गई है जी। दूसरी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।